कोरोना वायरस के चलते राज्य सरकार के आदेश से प्रदेश की अनाज मंडियों में अवकाश घोषित है और इस कारण दूर दराज के राज्यों से मजदूरी करने आए मजदूर और पल्लेदारों के सामने रोजे रोटी का संकट आ गया है। ऐसे में ये लोग पलायन करने लगे हैं। खैरथल अनाज मंडी के व्यापार समिति के अध्यक्ष और नगरपालिका खैरथल के पूर्व अध्यक्ष अशोक डाटा ने मंडी से पलायन करने वाले ऐसे ही पल्लेदारों और मजदूरों को समझाया। डाटा ने आश्वासन दिया कि आप सभी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारी है। महामारी की इस घड़ी में अनाज मंडी के व्यापारियों ने व्यापार समिति के बैनर तले मानवता का धर्म निभाया है और इसी के चलते समिति ने मंडी के पल्लेदारों को पहले 580 और अब तक कुल 2100 राशन किट का वितरण किया है। इसमें आटा, दाल, चावल, तेल, आलू, प्याज और मसाले शामिल हैं। इस मौके पर कृषि उपज मंडी व्यापार समिति के अध्यक्ष अशोक डाटा, जगदीश डाटा, सीताराम खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष नरेश गर्ग, सह सचिव किशन लाल गुप्ता, राजकुमार गुप्ता जोड़िया, शिवचरण मौला बास वाले, सुरेंद्र कुमार गुप्ता आदि व्यापारी मौजूद रहे। हमारी मंडी में 300 के करीब बाहर के बिहारी पल्लेदार हैं जो कि पलायन के लिए तैयार थे, लेकिन हमने उनके खाने का इंतजाम जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से कर रहे हैं। पहले 600 किट बांट चुके, आज हम 1500 किट बांट रहे हैं, तो करीब ये 600 में 2100 किट हम दे चुके हैं और भविष्य में इनको जरूरत पड़ेगी तो और भी सामान उपलब्ध कराएंगे। इसमें खाने का सामान है आटा, चावल, तेल, दाल, आलू, प्याज, जो भी जरूरी रोजाना की चीज़ है वो।